So my first question is, a metal wire of length L, cross-sectional area A, Young's modulus Y, is stretched by a variable force F, which is slightly greater than elastic force in the wire. Okay, तो हमारे पास एक वायर मान लेते हैं बेटा, छोटा सा ये एरिया का एक वायर हमने ले लिया. लेट्स से दिस इज अवर वायर और ये फोर्स हमने एफ लगा दिया इस पे, एंड दिस एफ फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन इलास्टिक फोर्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेटा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलोंगेट होने लगेगा, और ये जो इलोंगेशन है, जब ये एल लेंथ इलोंगेट हो जाएगा, क्लियर, तो इसमें, हां जी, वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एक याद हो तो हमने पहले भी किया हुआ है. इस केस में, हाँ जी, आंसर आ गया शायद. टू एफ एल वाई बाई ए, ये क्या है बेटा? ओके ओके, देख लेते हैं. अगर हम इसे स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर ले बेटा, स्प्रिंग में भी वेरिएबल फोर्स था. ओके, स्प्रिंग के साथ अगर हम कंपेयर कर लें, बिल्कुल सही ध्रुव, तो स्प्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा फोर्स के एक्स वेरिएबल फोर्स था, एंड एफ इज ग्रेटर देन इलास्टिक फोर्स, बट एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू के एक्स. ओके, अब जो हमारे पास वर्गडन था, वो वर्गडन हमारा हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. बस यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, इसमें कुछ और नहीं है. अब आप यहां पे देखिए, के एक्स को आप एफ से रिप्लेस कर दीजिए, और अगर आप अपने 11th के नोट्स देखेंगे तो सीधे सीधे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एफ, x की जगह यहां पे एक्सटेंशन जो है वो, इलोंगेशन जो है वो l दिया हुआ है. ओके ओके, तो हाफ इंटू f इंटू l, ये हमारा फॉर्मूला आ गया. ठीक है, अब अलग अलग ऑप्शन से पूछा जा सकता है. एक और रिलेशनशिप वो यहां से ले लेते, एक तो ये आई गया बेटा, हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए हाफ एफ एल. एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें याद है, y इज इक्वल टू एफ बाय ए एल बाय कैपिटल एल. हाँ ध्रुव, यही वाला आप कह रहे थे ना, तो यहां से आप f की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा, y ए एल बाय कैपिटल एल. ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो ये आपका k जो है वो ये बन गया, क्लियर. तो आप यहां से ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हाफ f की जगह लिख देंगे y a l by capital l, ये हो जाएगा. ये शायद वैष्णवी ने भेजा है फॉर्मूला. ठीक है, हाँ जी, गुड गुड गुड. तो वो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में, k के फॉर्म में दिया हुआ है, f के फॉर्म में है, या y a l के फॉर्म में है. तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया हमने, बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा. ओके, किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि हाफ हो जाता है, f इंटू एल नहीं रहता. क्वेश्चन नंबर टू, अ रिंग ऑफ रेडियस r मेड ऑफ वायर ऑफ डेंसिटी रो इज रोटेटेड अबाउट अ स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस
passing through its center and perpendicular to plane of the ring as shown in the figure. Find angular velocity omega at which the ring breaks. If tensile stress for breaking the wire is sigma, ignore gravity. Okay. तो ये बेटा हमारे पास इसका इनलार्ज व्यू है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर एक सेक्शन ले लेता हूं इस तरह से, और ये हमारे पास एक छोटा सा हमने पीस ले लिया, इसको मैं आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पोर्शन मैंने कट कर लिया है यहां से, और इसको जब आप देखेंगे तो ये पोर्शन कुछ इस वे में आएगा, और ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, बिल्कुल वही मेथड है पुराना वाला। यहां पर हमारे पास होगा टेंशन टी, और लेट से मैंने आपसे कहा है कि इसको आप हाफ एंगल लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसको मैंने थीटा मान लिया, आप चाहे तो डी थीटा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद इट, ओके। और ये पोर्शन डी एम है, तो व्हाट इज डी एम? डी एम इज इक्वल टू इसका मास जो आएगा लेमडा इंटू डी एल, lambda is mass per unit length, तो आप इसे लिख सकते हैं m by 2 pi r, अगर इसका mass m है पूरे का, इसका mass हमने m अभी assume कर लिया है, ठीक है। वैसे हमें mass m दिया नहीं, rho दिया हुआ है, तो उसको अभी देख लेंगे हम क्या आएगा, ठीक है। तो m by 2 pi r ये length हो गई into dl m by 2 pi r, ओके। इस m को मैं चेंज कर देता हूं बेटा, m मेरा हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा क्या आएगा, लेमडा मास पर यूनिट लेंथ लिया बेटा मैंने, एरिया इंटू 2 pi r, ये एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, ठीक है। इसका इस रिंग का ऐसे करके कुछ एरिया बनेगा ना, तो ये एरिया ए है, ठीक। सर्किल वाला सर्किल मत ले लीजिएगा, ये वाला एरिया मत लीजिएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा। जब हम मास निकालेंगे तो वायर का मास ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया इंटू 2 पाई आर, ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। डी एल को मैं लिख सकता हूं आर 2 थीटा, यस वैष्णवी यही कहना चाह, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ अब देखिए क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब बड़ा सिंपल सा है बेटा, मेरे पास 2t, ये देखिए ये वाला जो एंगल आएगा ये थीटा होगा, तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू dm r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बस इसे सॉल्व करना था, डीएम की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक। अब इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक ये थी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे टेंशन को, मैं यहां पे सॉल्व करके फिर से आपको पूरा पूरा दिखा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं डीएम की वैल्यू रख रहा हूं, तो डीएम की वैल्यू मैं रख रहा हूं रो ए आर 2 थीटा, ओके ये आर ये वाला आएगा स्मॉल आर, क्लियर है बेटा। अब आप देखेंगे यहां से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, जब मैं थीटा को स्मॉल लूंगा तो टी मेरा आ जाएगा, हाँ जी रो आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए रो ओमेगा स्क्वायर, ओके। हाँ जी कोई डाउट?
अब देखिए ये क्या है, ये है बेटा ये जो मेरा टेंशन है, ये है मेरा एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो। सारे के सारे मास को आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 पाई। ये सर्कुलर मोशन में या इस तरह रिंग जब रोटेट करता है तो उस पर टेंशन आ जाता है। ये हमने इलेक्ट्रो में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का किया था। अगर आपको ये याद है तो ये बहुत आसान हो गया बेटा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा निकाल के कर सकते हो। अब देखिए, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या चीज है? स्ट्रेस। और ये मेरा हो जाएगा रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया और यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय रो आर स्क्वायर। यहां से ओमेगा आपका आ गया अंडर रूट 1/r, बाहर आ जाएगा सिग्मा बाय रो। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको? इसमें आपको बेटा सिग्मा बाय रो की कुछ वैल्यू दे देगा। लेट से वो कहेगा सिग्मा बाय रो रेशियो 4 दे दिया मैंने, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। और r आपको दे देगा 1 मीटर लेट से। तो आपसे पूछ लेगा कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड में क्या होगी, तो आप बिल्कुल ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/1 अंडर रूट 4, दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आपके वैल्यू बेस्ड भी आ सकते हैं और सिंपल जो है, हाँ जी, वेरिएबल के टर्म्स में भी ओमेगा आपसे पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ये टेंशन अगर याद होगा तो ये एक लाइन में सॉल्व होगा। सीधे आप टेंशन लिखेंगे, एम को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी के टर्म्स में, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू अपोजिट फोर्सेस 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन एक्ट ऑन एन इलास्टिक प्लैंक ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y is equal to 2 into 10 to the power minus 11 newton per meter square and length 1 meter placed over a smooth horizontal surface. If cross-sectional area is 0.5 meter square, find change in length. Okay, मैं आपको इसे इनलार्ज करके आपको दिखा दूं। तो ये बेटा हमारे पास एक प्लैंक है, रॉड कुछ भी आप ले सकते हैं। इसका आपको जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। अब जो फोर्सेस आपके पास लग रहे हैं, एक साइड से 120, दूसरे साइड से 80 न्यूटन लग रहा है, और आपको टोटल लेंथ जो इंक्रीज करेगी 1 मीटर से जो ज्यादा होगी, डेल्टा एल जिसे आप कहते हैं, वो कैलकुलेट करनी। मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर सकता हूं। ये मान लीजिए जहां मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया था, उसी को मैं एक छोटा एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूं। लेट्स से इस डायरेक्शन में टेंशन टी और इस डायरेक्शन में टेंशन टी, ठीक है। वैसे ये डिफरेंट होंगे बट एलिमेंट मेरा बहुत छोटा है इसलिए मैं उसको सेम एज्यूम कर सकता हूं। ओके, एक आंसर मेरे पास आ गया बेटा, चेक करते हैं अभी। मुझे भी आंसर तो याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि टेंशन इस पॉइंट से हर जगह वेरी कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, और यहां पर एक एलिमेंट मान लेते हैं डीएक्स। ओके, तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे मेरे पास एक छोटा सा ये मेरा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dx, इधर टेंशन लग रहा है t, इधर टेंशन लग रहा है t, और जब इस पे टेंशन लगेगा तो ये इलोंगेट होगा। इसका एरिया मुझे गिवन है, एरिया a है। तो यहां पे मैं सिंपली y is equal to
F, F की जगह मैं T लिख दे रहा हूं, F is T by A, okay? DL मान लीजिए इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, दिस लेंथ इज DL और ये मेरा आ जाएगा DX। तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं DL इज इक्वल टू T by AY DX, ये आ जाएगा। That is a small change in length of element dx। और इसको अगर मैं पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा टोटल चेंज आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, tx निकालना है। और tx बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं केवल इस लेंथ के बारे में सोच लूं। ये 80, ये T, क्लियर? इस पे कुछ एक्सेलरेशन A और इसका मास लेट से M डैश। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल एक जनरल सॉल्यूशन दे देता हूं। सपोज मेरे पास एक रॉड है, ये मेरा F1 फोर्स, ये मेरा F2 फोर्स, क्लियर? तो जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, F1 माइनस F2 अपॉन लेट से इसका मास अभी मैंने M एज्यूम कर लिया। नाउ मैंने इसे यहां पर कट किया है, अब जब मैं इसे कट करूंगा तो ये मेरा टेंशन T है, या आप किसी भी सेक्शन को ले सकते हैं, आप इसको F ले सकते हैं F1, और ये वाला टेंशन T ले सकते हैं, ये हमारी लेंथ L हो जाएगी, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, और ये मेरा एक्सेलरेशन A आ गया, ठीक? तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी F1 माइनस T, F1 माइनस T इज इक्वल टू M डैश इनटू A, so F1 माइनस T इज इक्वल टू, व्हाट इज M1? M1 इज M by total length L into X, ये बनेगी, चेक कीजिए, into acceleration A, और यहां से मेरा आ जाएगा F1 minus T is equal to M by L X, A की वैल्यू में रख दूंगा, F1 minus F2 upon M, ये M मेरा cancel हो जाएगा बेटा, ठीक है? यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, my tension, और tension मेरा आ जाएगा T is equal to F1 माइनस F1 माइनस F2 X अपॉन L। हाँ जी, ये देखिए, चेक कर लीजिए अगर ये आ गया तो। अब बस मुझे इसे कहां रख देना है, DL वाली वैल्यू पे। DL मेरी आई थी T, एक बार चेक कर लें कितनी आई थी, T by AY DX, और अब ये बहुत सिंपल हो गया बेटा, T की जगह मेरा आ जाएगा, आप चाहें तो सीधे वैल्यू रख के कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जनरलाइज आपको दिखा रहा हूं, F1 minus F2 X upon L, और ये 1 by AY यहां पे DX, ये मेरा DL आ गया, और इसको उठा के क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से L लेंथ के लिए, ये हमारा टोटल डेल्टा L चेंज इन लेंथ आ जाएगा, दैट इज 1 बाय AY F1X माइनस F1 माइनस F2 बाय L X स्क्वायर बाय 2, और इस पे आप लिमिट रख दीजिए 0 से लेके L का, क्लियर? ओके,
तो ये सॉल्व आप इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/L/Ay लिख देते हैं, ठीक, F1 - F1 - F2/2, तो ये आएगा आपका F1 + F2/2, कुछ ये आंसर आ जाना चाहिए। देखिए जरा चेक करके, इस पे आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ फायर एंड सिग्मा इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, देन फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फायर दैट कैन हैंग फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग द वायर। ये वायर ना टूटे अपने ही वेट से, ओके? कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं और ये उनमें से एक है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो, हाँ जी, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगा? सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगा? ऑब्वियसली अपने वेट की वजह से, तो सबसे ज्यादा टेंशन बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा। तो सबसे ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस कहां हैं? उसी पोजीशन पे। ये क्लियर है? ओके, तो इस पोजीशन पे आप में से कोई मुझे बताएगा कि स्ट्रेस क्या होगा? इस पोजीशन पे अगर मेरे पास टेंशन टी है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू टी मैक्स अपॉन ए, है ना? टेंशन जहां मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम स्ट्रेस ले लेंगे वहां पे, क्लियर? ओके, तो मैक्सिमम टेंशन होगा कितना भाई? वहां पे पूरा का पूरा वेट लग रहा होगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपका क्या आ गया? Mg/A। कोई डाउट? अब देखो, सिग्मा इज इक्वल टू एम क्या होगा? डेंसिटी दी हुई है, रो इंटू वॉल्यूम दैट इज एल इंटू एरिया इंटू जी बाय एरिया। आंसर आ गया, एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, आपको निकालना क्या था? ये लेंथ निकालनी थी, लेंथ कितनी आ गई? सिग्मा बाय रो जी। बस कॉन्सेप्ट का खेल है कि क्या आपको समझ में आया कि वो टूटेगा कहां से? स्ट्रेस निकाल के उसको इक्वेट कर देना है, दैट्स ऑल। आपको एक सिस्टम दिया गया था, ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग इफ बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम कांस्टेंट स्पीड। Y is Young's modulus, A is area of wire, and L is length of string. Basically, area of wire मतलब cross-sectional area of string है। इसी ये है वायर आप। इसे आप वायर कह लीजिए या स्ट्रिंग कह लीजिए, बात एक ही है। Okay? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए फिर मैं सॉल्व करूँ। ओके, तो अगर हम इस पे फर्स्ट ब्लॉक जिसे हम एम मास वाला कह रहे हैं, इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहला फोर्स हमारा एमजी लगेगा बेटा, दूसरा हमारा टेंशन लगेगा और हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और अगर हम 5m ये बनाएंगे तो टेंशन इधर लगेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को हम डायरेक्टली म्यू इनटू 5mg लिख सकते हैं बिकॉज ये स्लिप हो रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ओके, तो अब मैं म्यू के mg लिख सकता हूं, m की जगह 5m आ जाएगा,
इधर आपका 5 mg और ये आपका नॉर्मल, ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे भी जीरो। जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू म्यू 5 mg एंड दैट इज इक्वल टू mg फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, एक मिनट ध्रुव चेक करता हूं। ये आपका mg और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल सा था, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात है एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर के लिए सबसे पहले हमें टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और टेंशन हमें पता है, टेंशन तो हमारा क्या है, mg के बराबर है। तो टी इज इक्वल टू mg, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इस वायर की लेंथ, अब जरा सोचते हैं कि हुआ क्या बेटा। ये हमारे पास एक वायर था, इधर टेंशन टी था, इधर टेंशन टी था, इसकी लेंथ एल थी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इसका यंग्स मॉडुलस वाई था। तो क्या मैं एनर्जी स्टोर्ड नहीं निकाल सकता हूं? एनर्जी स्टोर्ड मेरी थी 1/2 kx², ठीक है, ओके, वेरी गुड। 1/2 stress into strain भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास बहुत सारे मेथड है, आपके साथ पास बहुत सारे मेथड, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये हमारी 1/2 kx² हो गई। अब इसमें हमें x निकालना था, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ बाय a इंटू y, क्या ये आएगा, चेंज इन लेंथ dl बाय a बाय, बस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। हाँ बेटा, 1/2 t² आ रहा है, बिल्कुल सही, l बाय ए वाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपकी जो एनर्जी है ये आपकी आ जाएगी 1/2 t² l बाय ए वाई, और t की वैल्यू mg है क्योंकि मुझे m के टर्म्स में दिया हुआ, किसी के टर्म्स में दिया हुआ, m के टर्म्स में दिया है, तो मुझे आंसर लिखना पड़ेगा 1/2 m² g² l / a y।